नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीकी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब जाता है तो उसमें अमूमन आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से जैमर और तरह तरह के जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, SPG हो, पुलिस कर्मी हो, वो उनकी सुरक्षा करते हैं, चाहे वो कहीं भी रैली करने पहुंचे चुनाव प्रचार के लिए या फिर रोड शो या अपने काफिले के साथ किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे हो। हमेशा ये सुरक्षा जो घेरा है उनके आसपास बना रहता है ताकि उनकी सुरक्षा अच्छे से की जा सके। लेकिन अहमदाबाद से जो खबर सामने आई है वो एक बार ये जो सुरक्षा उनके कर्मी हैं उनकी टेंशन बढ़ाने का काम कर दिया है। दरअसल इन दिनों गुजरात चुनाव में जोर शोर से प्रचार करने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और इस बार भी वो अहमदाबाद पहुंचे और जो रैली में हुआ उसके बाद सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए, पुलिसकर्मी थे उनके हाथ पांव फूल गए। दरअसल अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी हैं वो रैली को संबोधित कर रहे थे, तभी अचानक एक ड्रोन जो है वो नो फ्लाइंग जोन में उड़कर सामने आ गया, जिसके बाद जैसे ही पुलिसकर्मियों ने उसे देखा तुरंत अफरा तफरी मच गई और उसके बाद उसे उतरवाया गया। कहा जाता है कि जो सुरक्षा घेरा होता है प्रधानमंत्री के आसपास वहां पर नो फ्लाइंग जोन होता है, यानी कि ड्रोन उड़ाने की इजाज़त नहीं दी जाती। इस वजह से जो सुरक्षाकर्मी होते हैं वो उनके हाथ पांव फूल गए कि कैसे एक प्राइवेट ड्रोन जो नो फ्लाइंग जोन में उड़कर सामने आ गया। अब पुलिसकर्मियों ने जांच आगे बढ़ाई तो इसमें तीन लोगों को पकड़ा गया, तीन लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई और गिरफ्तार किया गया। हालांकि पहले ये खबर सामने आ रही थी कि जो ड्रोन है उसे गिरा दिया गया था, लेकिन पुलिस ने इसे साफ कर दिया है क्या कि उसे गिराया नहीं गया था बल्कि उसे उतरवा दिया गया था और अब तीन लोगों पर FIR दर्ज की है और साथ ही साथ उन तीन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उन तीनों युवकों के नाम हैं रमेश भाई, राकेश और राजेश्वर। जी हाँ, इन लोगों को IPC की धारा 188 के तहत इस पर शिकायत की गई थी और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनसे सवाल तमाम तरह के दागे जाएंगे कि क्यों नो फ्लाइंग जोन में जो उन्होंने ड्रोन है वो उड़ाया है। हालांकि पूछताछ में ये साफ हो गया है कि जो इन तीनों ने ये ड्रोन उड़ाया है वो सिर्फ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के मकसद से ही उड़ाया गया था, इसमें कोई विस्फोटक हालांकि नहीं मिला है, लेकिन जो सुरक्षाकर्मी हैं वो इसी नज़रिए से, इसी एंगल से इस मामले की जांच कर रहे हैं। इन लोगों से पूछताछ भी लगातार की जा रही है और ड्रोन की जांच भी अब की जा रही है। पिछले दिनों किस तरीके से खबर सामने आई थी कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस को व्हाट्सएप पर 7 वॉइस रिकॉर्डिंग्स आई थी, वॉइस नोट्स आए थे जिसमें धमकी दी गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर जान से मारने की यहाँ पर धमकी दी गई थी, जिसके बाद पुलिसकर्मी वहाँ पर अलर्ट हो गए थे। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस यहाँ पर टीम गठित कर दी गई थी, पुलिस लोग वहाँ पर जांच कमेटी यहाँ पर बिठा दी गई थी कि कैसे और कहाँ से जो ये रिकॉर्डिंग्स हैं वो सामने आई हैं और प्रधानमंत्री मोदी को इन्होंने जान से मारने की धमकी दी। अब इसके बाद अहमदाबाद में नो फ्लाइंग जोन में अचानक एक ड्रोन के आ जाने से, एक प्राइवेट ड्रोन के आ जाने से अफरा तफरी जरूर मच गई और क्योंकि एक सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर सामने आ रही है कि अचानक प्रधानमंत्री के नो फ्लाइंग जोन का जो घेरा होता है उसमें अचानक एक प्राइवेट ड्रोन सामने आया, जबकि तमाम सुरक्षाकर्मी वहाँ पर मौजूद थे, उसके बावजूद ये ड्रोन कैसे सामने आया है और क्यों ये फ्लाइंग ड्रोन जो है उड़ाया गया है। VK News, राष्ट्र के नाम।